ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हकीम नूर अहमद चौधरी। नाज़रीन, सब तो पहले मैं तुहानू इस गल दसना चाहना कि अल्लाह के फजल करम नाल आप दोस्तों दुआवां नाल मैं 16 मई को उमरे की सादत वास्ते सऊदी अरब जा रहा। मेरे वो दोस्त अहबाब जोड़े कि सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब क्या पजीर ने, भले वो पाकिस्तानी है, इंडियन ने, किसी भी मुल्क रेंदे, जोड़े मैं मिलना चाहते हैं वो सऊदी अरब आके मैं मिल सकते हैं। 28 दिन के उमरे के पैकेज मैं सऊदी अरब जा रहा। जोड़े मेरे दोस्त अहबाब मिलना चाहते हैं वो मैं सऊदी अरब मिल सकते हैं। अल्लाह ताला के फजल कदम नाल मेरा व्हाट्सएप तुम नंबर नोट फरमा सकते हो। वो मेरा नंबर और 305-345 मेरा छोटे भाई तेन बयान कर देना जी। नाज़रीन, तुम नंबर नोट कर सकते हो 0305-73-72-464। ये व्हाट्सएप पर भी है, ईमो पर भी है। दूसरा नंबर भी व्हाट्सएप पर है, ईमो पर है 0345-75-37-385। साडा सिर्फ मकसद एक ही है कि पाकिस्तान तो कुछ लोग अजे बाहर बैठे होंगे कि अपनी गल किसी शेयर नहीं कर सकते और रोंदे बह के कि यार काश कोई साडा इस तरह बंदा हो साडी हेल्प कर सके कि असं उन्हें कुछ सही ट्रीटमेंट करा सकी है। और अजा लोग सिर्फ फायदा उठाने उन्होंने मजबूरी का और कोई अजा हकीम या कोई अजा तबीब उत्थे नहीं जा सकता कि उन्होंने रहनमई कर सके। माशाला हकीम नूर अहमद साहब गोल्ड मैडलिस्ट प्रोफेसर लैक्चरार, बहुत वे लैक्चरार ने इतने तिबिया कॉलेज, माशाला एक इन्हों का नाँ है। बहुत जबरदस्त, अल्लाह का शुक्र है कि जिन्होंने लोगों ने अज तक दवाई खाधी है नहीं है उन्होंने 100% रिजल्ट मिले। और लोग फोन करके दवावान देते हैं, सिर्फ मकसद पता ही की है उसे यही है कि लोग अच्छे लफ्जों याद करन कि वाकई यार मैं किसी को दवाई खाधी तो मैं फायदा होया। असं नेकी करना चाहते हैं, सवाब लेना चाहते हैं, लोगों को दवावान देना चाहते हैं। साडा मकसद यह नहीं है कि लोगों असं पैसे ज़्यादा लीए, लोग जो चीज़ कहेंगे वो पा के देवे, जिस तरह की चीज़ कहेगा उस तरह उनका ट्रीटमेंट करा और इंशाल्लाह गरंटी ना होगा। मैंने अभी तक किसी फोन करके सू इंज नहीं किया कि भाई थोड़ी फायदे दवाई ने सू फायदा नहीं होया। अलहमदुल्ला जो बंदा सर फोन करता है वो कहता सर मैं आपको तो ढेर सारी दवाएं दे रहा हूँ, आप बहुत अच्छे हैं। एक दफ़ा मुझे खाना काबा शरीफ से एक बंदे ने कहा कि सर मुझे खाना काबा के अंदर 3 दफ़ा जाने की सहादत नसीब हुई है, बड़ा खुशकिस्मत था। वो कहता है सर मैं आपके लिए दुआएं करता हूँ वहाँ खड़ा होकर कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ही अच्छे हैं, अल्लाह ताला आपको भलाई करे, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। मकसद भी यही है कि लोग हमें दुआएं दे, अच्छे लफ्जों में याद करें। आपको किसी भी किस्म का मसला पेश आ रहा है, ये लाजमी नहीं कि बर्दाना कमजोरी, इसके अलावा जो भी मसला पेश आ रहा है, ऐसे लोग अगर शुगर है, हेपेटाइटिस है, बर्दाना कमजोरी है, या कुछ लोग अपनी जवानी बर्बाद कर पाते हैं उत्थे बह के कुछ मौसम की वजह तो, या कुछ मुश्तजनी यानी कि एक लौंगज इस तरह की लफ्ज इस तरह का कि मैं जरा थोड़ा जहा फिर के दसन लगा कि कुछ लोग जो होंगे वो परेशान होंगे कि यह हकीम डॉक्टर इस चीज़ का इलाज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और यह एक चीज़ होंगी है कि लोग दस नहीं सकते परेशान बहुत ज़्यादा होंगे। और लोग जो बैठे होंगे ना आम लोग कि पता ही नहीं होंगे उन्होंने मजबूरी का फायदा उठाते हैं। मेरा मकसद सिर्फ यही है तुम दसन वास्ते कि हकीम साहब उमरे से जा रहे हैं, मैं और हकीम साहब दोनों जा रहे हैं अलहमदुल्ला। और साडा मकसद यही है कि जो लोग उत्थे बैठे हैं सानू मिलना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, सानू रब्ता कर सकते हैं, सानू फोन कर सकते हैं। इंशाल्लाह 16 तारीक नू साडी फ्लाइट है 4 बजे 16 मई। और किसी बंदे को मशवरा करना हो, कोई परेशानी हो तो सानू फोन करके उत्थे मशवरा कर सकता है। इंशाल्लाह मकसद एक ही है कि लोग उत्थे बह के भी दुआवां देवन, एक पाक जगह पर बह के बंदा दुआ देवे तो बंदा बेड़ा पार हो जाता है। मकसद सिर्फ एक है कि लोग दुआ देवन, अच्छे लफ्ज़ याद करो कि बेड़ा पार हो जाए। बाकी हकीम साहब अल्लाह ताला साडा तुहाडा हमीनस, अल्लाह हाफिज़।